एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, अ वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू कवर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 3.3 ऑफ एसएससी ग्रेड क्लास 10। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, आई जस्ट सजेस्ट यू कि एक बुक और एक पेन लेके बैठो, ताकि एज वी सॉल्व द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व साइमल्टेनियसली विद अस। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1, 2, 3 इवन नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3 लाइक दूसरा नंबर नहीं मिला क्या इनको? सो 1, 2, 3 इवन नेचुरल नंबर, इधर की क्या है? इधर की इज द इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से एंड इवन नंबर स्टार्ट होता है, इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 2 से। सो इतना मालूम है हमें कि 2 से स्टार्ट करना है, 2, 4, 6 ऐसा हम लोग का सीरीज जाएगा। एंड कितने नंबर तक? एन वाला जो पोजीशन है, जो टर्म है, एंथ टर्म, दैट इज 1, 2, 3, दैट इज T 1, 2, 3 तक हम लोग को ढूंढने का है। बट ऑफकोर्स नॉट द टर्म बट द सम ऑफ द होल नंबर। सो ऑफकोर्स क्या क्या दिया है हम लोग को? हम लोग को दिया है ए का वैल्यू, डी का वैल्यू एंड एन का वैल्यू। एंड फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोज वी नो SN का फॉर्मूला क्या होता है। अगर तुम लोग इमेजेस देखोगे या फिर रिकलेक्ट करने का ट्राई करोगे, यू गेट टू नो कि SN का फॉर्मूला क्या था। सो SN का फॉर्मूला इज n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर SN। सो लेट्स क्विकली सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरीथिंग। हमें n का वैल्यू मालूम है, हमें 1, 2, 3 तलक ढूंढने का है। सो लेट्स क्विकली सब्स्टिट्यूट s 1, 2, 3 का वैल्यू विल बी लाइक 1, 2, 3 को हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे। इन प्लेस ऑफ ए हम लोग ने 2 डाला है, इन प्लेस ऑफ डी हम लोग ने 2 डाला है एंड इन प्लेस ऑफ एन हम लोग ने 1, 2, 3 डाला है। नाउ इफ यू कैलकुलेट, हम लोग ने इधर क्या किया है, दिस वाला पार्ट, इसमें हम लोग ने सबसे पहले 1 माइनस किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन जाता है एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2, 2, 4 एंड दैट वी एड विथ 4 गिव्स अस 2, 4, 8। अभी ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, वी सिंपली डिवाइड दिस नंबर बाय 2 तो हमें ये वाला नंबर मिलता है। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग अ लॉट, इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? लेट मी थिंक। या सो इसका आंसर है 15252, दैट इज 15252 इज द वैल्यू फॉर द सम ऑफ 1, 2, 3 इवन नेचुरल नंबर्स। सो दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन। लेट सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? हमें बोलता है कि 19th वाला टर्म का कुछ वैल्यू है, 38th वाले टर्म का कुछ एक वैल्यू है और हमें ढूंढने का है सम ऑफ 56 टर्म्स। तो कैसे ढूंढेंगे हम लोग? अगर हम लोग TN वाला सम्स अगर याद करने का ट्राई करेंगे तो टेक्सचुअल मेथड, उसमें हम लोग ने सीखा था कैसे हम लोग डी का वैल्यू एंड ए का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम लोग को 2 टर्म्स दिया हुआ है तो। जस्ट गोइंग थ्रू अ जिफ कि ये जो हम लोग को वैल्यूज दिया है, ये हम लोग ने आमने सामने लिखा है, इनको हम लोग अरेंज करेंगे प्रॉपरली, फिर इसको हम लोग साइमल्टेनियस मेथड से जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, वी सॉल्व इट बाय साइमल्टेनियस मेथड। सो हमें डी का वैल्यू मिलता है कुछ, सो द डी का वैल्यू विल बी 4। इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, तुम लोग जाके वीडियोज देख सकते हो, बट इफ यू आर गेटिंग इट यू विल गेट इट एज 4। फिर ये जो डी का वैल्यू है, इसको तुम लोग कौन से भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड यू गेट योर आंसर एज -20। रिमेंबर फर्स्ट टर्म हम लोग का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी जीरो। दीज आर द 2 थिंग्स जो हमेशा याद रखना चाहिए हम लोगों। ऑफकोर्स अभी डी का वैल्यू मिला है, ए का वैल्यू मिला है और एन का वैल्यू लोग ने पहले से ही देके रखा है, हम लोग को 56 वाला टर्म का ढूंढने का है। सो एन का वैल्यू इज 56। वी नो SN का फॉर्मूला क्या है। SN का फॉर्मूला इज n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। सो लेट्स क्विकली सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, वी गेट आर आंसर। लाइक अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग तो n के जगह पे 56 सब्स्टिट्यूट करेंगे, हर जगह 56 सब्स्टिट्यूट करने का है। a के जगह पे हम लोग -20 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड d के जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी सॉल्व द ब्रैकेट एंड वी गेट इट एज 180। 180 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट इट एज 90 एंड 56 को हम लोग अगर 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 5040। दिस इज द फाइनल आंसर विच यू ऑल आर सपोज टू राइट। सो दिस वॉज द सम ऑफ फर्स्ट 56
टर्म्स, जब भी तुम लोगों को दो टर्म्स का वैल्यू दिया रहेगा तो साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो लेट्स गेट टू द थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन के लिए मैंने पहले से ही ऊपर Sn का फॉर्मूला लिख के रखा है क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा था हम लोगों को. सो Sn का फॉर्मूला इज n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d. 55th टर्म, दैट इज फर्स्ट 55 टर्म्स का हमें सम दिया हुआ है एंड द सम इज 3300. हमें क्या फाइंड आउट करने का है? 28th टर्म. हम लोगों को कुछ एक सम दिया हुआ है, कुछ सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, हमें उसमें से 28th टर्म निकालने का है. डोंट बी स्केर्ड, द सम इज रियली वेरी इजी. सो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग. ये सम ऑफ 56 का हम लोग ने फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दिया. इधर जिधर भी हम लोग का एन का वैल्यू है, दैट इज 55 है, उधर हम लोग ने 55 सब्सटीट्यूट किया. ओ दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, इधर 56 नहीं आना चाहिए, इधर 55 आएगा. ओके सो मेक इट करेक्ट. 55 हम लोग ने इधर इधर लिखा है, सब्सटीट्यूट करते हैं 55 की जगह पे हम लोग ने 3300 सब्सटीट्यूट किया क्योंकि दैट इज द आंसर. एंड देन वी डिवाइडेड. डिवाइड कैसे करेंगे? ये जो 55 है इसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले लेंगे एंड ये जो 2 है ये 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? ये वाला 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाले 2 से डिवाइड करेंगे. इन दोनों को अगर हम लोग ने 2 से डिवाइड किया, वी गेट आर आंसर एज ए प्लस 27d. एंड इधर का वैल्यू अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ एक आंसर मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 60. बट 27 को हम लोग 28 माइनस 1 भी लिख सकते हैं. एंड इफ यू नोटिस द इक्वेशन जो हम लोग को मिला है केयरफुली, दिस लुक्स वेरी वेरी सिमिलर टू T28 का इक्वेशन, दैट इज ए प्लस 28 माइनस 1d. सो आवर फाइनल आंसर विल बी दैट टर्म 28 का वैल्यू, ओ मैंने लिखा ही नहीं है. सो यू हैव टू राइट इट दैट टर्म 28 का वैल्यू इज इक्वल टू 60. जस्ट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट. ओके सो ये स्लाइड में क्या दिया है हम लोग को? हम लोग को दिया है दैट 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज 27. इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम लोग को दिया है 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का मतलब एक के बाद एक 3 नंबर्स दिया हुआ है. व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम लोग को आ सकता है, जिसे 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स बोल सकते हैं, 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स बोल सकते हैं, 7 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स बोल सकते हैं, ऐसा कितना भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स बोल सकते हैं. तो ये जो सिमिलर पैटर्न जो मैं सिखा रहा हूं यही यूज करना है तुम लोग को. इतना याद रखना है जो मिडल वाला नंबर रहेगा ना, 3 है ना, तो 3 का मिडल वाला क्या रहेगा? 2. सेकेंड वाला पोजिशन विल बी द मिडल, तो उसको हम लोग को ए नेमिंग करने का है एंड उसके आगे वाला एंड उसके पीछे वाले को हम लोग को प्लस करते जाने का है डी एंड माइनस करते जाने का है डी. सो वॉट डू आई मीन? आई मीन दैट ए माइनस डी होगा उसके पहले एंड उसके बाद में, दैट इज आफ्टर द सीक्वेंस क्या होता है? प्लस प्लस होता जाता है हम लोग का डी. सो ए प्लस डी होगा. सो दीज आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो हम लोग को दिया हुआ है. इसका हम लोग क्या बोला है? द सम इज इक्वल टू 27. दैट मीन्स ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27. अभी अगर हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग का जो सिमिलर टर्म्स है, दैट इज डी एंड डी गेट्स कैंसिल, तो हम लोग को 3a मिलेगा एंड 3a इज इक्वल टू 27. तो मतलब a का वैल्यू क्या मिला हमें? 9. सो ये सिंपल इक्वेशन से हमें a का वैल्यू मिल गया. अभी ये जो a का वैल्यू है, हम लोग अगर ये इक्वेशन में अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें d का वैल्यू तो कुछ मिलने वाला है नहीं. सो वी सिंपली यूज द सेकेंड इक्वेशन जो उन लोग ने देकर रखा है. उन लोग ने बोला है दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 504, उनका प्रोडक्ट. दैट मीन्स ये जो 3 टर्म्स है इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट इट एज 504. नाउ इफ यू सी ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, ये दोनों को अगर हम लोग को मर्ज करने का है, ये कौन से फॉर्मूला की तरह दिख रहा है हम लोग को? दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग. एंड ये a, हमें a का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज इक्वल टू 9. सो वी सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ 9. इधर का जो 9 था वो डिनोमिनेटर में गया बिकॉज इक्वल टू के वो साइड जा रहे, मल्टीप्लीकेशन था, डिविजन हो गया, 504 से डिवाइड होता है एंड दिस 9 स्क्वायर, इसको हम लोग 9 स्क्वायर इज 81. तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 56 इज इक्वल टू के ये साइड आया तो सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस डी स्क्वायर अगर इज इक्वल टू के वो साइड गया दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव. ये दोनों को अगर हम लोग चेक करेंगे इन दोनों का आंसर विल बी इक्वल टू 25.
डी स्क्वायर का वैल्यू इज 25, तो डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू विल बी इक्वल टू 5. सो दिस इज ए का वैल्यू एंड दिस इज डी का वैल्यू. अभी इसको हम लोग इक्वेशन में जो हम लोग का 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स था उसमें सब्स्टिट्यूट किया है हम लोग ने. सो ए माइनस डी का वैल्यू दैट इज ए दैट इज 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ए का वैल्यू इज इक्वल टू 9 एंड ए प्लस डी का वैल्यू इज इक्वल टू 14. दीज आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द गिवन एपी. That's it for this session, guys. If you like the video, please put a like or thumbs up or comment or something like. Just subscribe and share, guys. Do subscribe. That's it. Oh, okay. Bye. It's okay. Chill. Bye.